भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमिहार ब्राह्मण समाज की आबादी पर नहीं जाएं, आबादी से ताकत नहीं तोलें। आज बेगूसराय में उमड़ी भीड़ का उत्साह बता रहा है कि हम लोग अपना हक कैसे लेंगे। बेगूसराय जिले के जीडी कॉलेज में रविवार को आयोजित भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत को संबोधित करते हुए आशुतोष कुमार ने कहा कि देश और राज्य में महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दलित, महादलित आयोग बना हुआ है। इन आयोगों में उस समुदाय के लोगों के लिए सरकार काम करती है। इसी प्रकार स्वर्ण आयोग को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया जाता है। आशुतोष ने कहा कि लोग कहते हैं भूमिहार कभी एक नहीं हो सकता है। वैसे लोग आज के इस महापंचायत को देख लें, देश के संविधान में ये लिखा है कि रंग, रूप, धर्म, भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो आज़ादी के 70 साल बाद भी भूमिहार ब्राह्मण की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने मंच से 8 सूत्री मांगों के समर्थन में एकमत से सहमति मांगी। उन्होंने कहा कि सरकार सवर्ण आयोग बनाते हुए उसके विकास के लिए काम करे। 10% आरक्षण सवर्णों को दिया जा रहा है, इसमें उम्र सीमा की बाध्यता नहीं हो। राज्य में भूमिहारों की स्थिति क्या है यह मुख्यमंत्री से छुपी हुई नहीं है। दलित महादलित के नाम पर सैकड़ों स्कूल खोला गया। बिहार में भूमिहारों ने लाखों एकड़ जमीन विद्यालय को दान में दे दिया, लेकिन इन्हें जाति समुदाय के नाम पर आगे बढ़ने से वंचित रखा जाता है। इससे पहले कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सोनू शंकर के नेतृत्व में 0 माइल से विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा बिहार के अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए तथा जुलूस का समापन कार्यक्रम स्थल पर हुआ। हालांकि जीडी कॉलेज परिसर में आयोजित इस भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत में जिले के कोई बड़े चेहरे नजर नहीं आए, लेकिन युवाओं का उत्साह खास देखा गया। वे राज्य और जिले के लिए कुछ करने के प्रति उत्साहित दिखे। कार्यक्रम में ब्रह्मर्षि समाज के राकेश मिश्रा, धीरज कांत, हेमा पांड्या, शिवेश मिश्रा एवं रंजीत भारती सहित दर्जनों कलाकार शामिल हुए तथा शमा बांध दिया। त्यागी समाज के अध्यक्ष बॉबी त्यागी, बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर, मृणाल माधव, सुनीता मिश्रा, गौतम ठाकुर, मेनका रमन एवं युवा समाजसेवी अंकित कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने समाज में एकजुटता की अपील किया। मंच संचालन पुष्कर सिंह, मनोज कुमार एवं राहुल कुमार कर रहे थे। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट। शब्दों में सिर्फ ओंकार भरेंगे तो हम आदरणीय सभागण एवं सदस्यगण, मैं आप लोगों से अनुरोध और विनती करता हूँ, एक सबल उद्देश्य अलग करो, सबल उद्देश्य अलग करो, भूमिहार राज्य अलग करो, भूमिहार राज्य अलग करो, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। अच्छी तरह से हम लोग समझा देंगे, अच्छी तरह से समझा देंगे। राज्य अलग करो। जय परशुराम, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिला सदर कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हैं वो आगे आते हैं। सतीश कुमार टोडा जिंदाबाद, आशुतोष कुमार जिंदाबाद। मैं इस भूमिहार को इकट्ठा करने का कार्य किया है। हम आज तमाम अतिथियों को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ इनके साथ डॉक्टर सोनू शंकर जो कि यहाँ के संयोजक हैं, उन्हें भी जिनके लिए जो उसी का फल हम अब पाए।
देख लीजिए। जय परशुराम। देखिए सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में आए आप तमाम मीडिया बंधुओं का मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा। आपके माध्यम से जो इस महापंचायत के द्वारा हम लोगों ने सरकार के समक्ष जो बातें रखी हैं, जो मांगे रखी हैं, आप लोग उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए एक बार आभार। और आज की इस महापंचायत में आए उन तमाम लोगों का भी अपने तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज का दिन समाज के नाम समर्पित किया है। तो हम किसी को कोई अलग से कोई आप कह सकते हैं कि किसी के विरोध या किसी के खिलाफ ये कार्यक्रम नहीं हुआ है, हम खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को संगठित करने के लिए कार्यक्रम किया। क्या लगता है इस महापंचायत लोकसभा चुनाव क्या लगता होगा? देखिए लोकसभा चुनाव से जोड़कर इस महापंचायत को इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि चुनाव तो साल में कई बार आते हैं, कभी विधानसभा कभी लोकसभा कभी कुछ, लेकिन क्या है कि ये जो समाज को जो संगठित करने का जो हमारा मिशन है वो 11 वर्षों से निरंतर चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वो तो आप लोग बताएंगे। एक सामने लगी 10,000 कुर्सियों में एक भी कुर्सियां खाली नहीं थी, उसके अलावा भी लोग फील्ड में जहां तहां आपने देखा, तो मुझे लगता है कि आज 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 ये पहले आज
आज के डेट में मुजफ्फरपुर में भी अमित शाह जी का कार्यक्रम था, श्री बाबू के नाम पर जयंती मनाई जा रही थी पटना में तेजस्वी जी की तरफ से, बावजूद इसके इतना बड़ा कार्यक्रम पूरी करना चाहिए सरकार को, तभी तो हम लोग मांग कर रहे हैं। और यदि सरकार पूरी नहीं करती है तो ये सरकार की नाकामियां है। ये तो पहला महापंचायत जी, आगे 26 नवंबर को हम लोग गया के आजाद पार्क में कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग जहानाबाद फिर बेगूसराय में या सॉरी बरबीघा में करें। यार ब्राह्मण तमाम जो युवा यहाँ, तमाम युवाओं से क्या कहना चाहिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत धन्यवाद आपका।